हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले मैटर इन आवर सराउंडिंग क्लास 9th का चैप्टर 1। तो इससे हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आगे हमारे पास जो है क्या है, एवरीथिंग एवरीवेयर हैज मैटर। कहते हैं कि सिर्फ हम हर जगह जो भी कुछ वस्तुएं देखते हैं वो क्या है, मैटर है। अब इसके मैटर मतलब पदार्थ होने की क्या क्या शर्तें हैं, क्या कैसे हम कह सकते हैं कि ये पदार्थ है, इस चीज़ों को हम आगे की ओर देख लेते हैं। आगे हमारे पास है पार्टिकल्स नेचर ऑफ मैटर। कहता है कि एनी थिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास एंड इट फ्लेट बाई फील बाई सेंसेस इज कॉल्ड मैटर। देखें फील होगा। कहता है कि इसे मतलब कि आप कोई भी चीज़ ऐसा जो आपको क्या करे ऑक्यूपाई कर ले स्पेस को, मतलब कि स्थान को वह घेरता है, ठीक है, घेरेगा और उसके पास कुछ मास होगा, वेट होगा, ठीक है, और हम फील कर सकते हैं, उसके सेंसर्स को छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम कहेंगे क्या, मैटर पदार्थ। आई होप इतनी बातें क्लियर होगी। अब कहता है मैटर इज दैट फॉर फ्रॉम फोर ऑफ फाइव बेसिक एलिमेंट्स। तो ये जो मैटर है, जो स्थान घेरता है, जो भार होते हैं जिसे हम सेंसर्स के द्वारा फील कर सकते हैं, तो ये क्या होते हैं, पांच चीज़ों से बने होते हैं। तो ये पांच चीज़ क्या हैं, तो आपके जिसे हम कहते हैं पंच तत्व, और जिसका है पहला अर्थ यानी कि एयर, और फिर एयर यानी कि है वायु, अर्थ पृथ्वी, और फाइव हो गया पर नहीं फायर होगा, फायर मीन्स अग्नि, और यहाँ पर हो जाएगा स्काई मीन्स गगन आकाश, और फिर वाटर। तो ये सभी पांचों चीज़ों से आपको हमारा शरीर भी बना हुआ है, इस मतलब कि पृथ्वी पर जितने भी वस्तुएं हैं वो बनी हुई हैं, उसे इसी चीज़ों से हमारे पदार्थ बने हुए हैं। आगे की ओर हम देख लेते हैं, आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है कैरेक्टरीज ऑफ मैटर। तो कहता है कि मोड ऑफ टीनी पार्टिकल्स वेकेंट स्पेस एग्जिस्ट इन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूस मोशन, पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स टू अट्रैक्शन। तो ये जो कोई भी पदार्थ होते हैं, कोई भी ये मैटर होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और ये कैसे एक दूसरे से चिपके रहते हैं, इसमें गोंद तो लगा नहीं होता, तो क्या होता है, एक दूसरे के बीच अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण वो क्या होते हैं, आपस में चिपके होते हैं, और ये कंटिन्यूसली क्या होते हैं, घूमते रहते हैं, मोशन में होते हैं। कितनी बातें हमें समझ में आ गई। आगे की ओर देख लेते हैं, कहते हैं डिफाइन मैटर। अभी हमने पढ़ा था कि मैटर क्या होगा, तो ऑक्यूपाई स्पेस, स्पेस को क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा, घेरेगा, और क्या करेगा, इसके पास हैज मास, और फील कर पाएंगे हम क्या, जिससे अपने सेंस ऑर्गेन से हम इसे फील कर पाएंगे, तो इसे हम कहेंगे मैटर। इतनी बातें क्लियर है, आगे देख लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, व्हाट हैपेंस इन यू पुट कॉपर सल्फेट क्रिस्टल इन क्या है वाटर। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को आप डालिएगा तो क्या होगा, इसमें क्या होगा कि क्या कुछ चीज़ें जो कुछ बूंदें डालिएगा तो आपके पास क्या हम एक रंगीन घोल तैयार होगा पानी में। अब इस रंगीन घोल को भी इसमें डालिएगा तो ये भी हो सकते हैं, फिर इसको इसमें डालिएगा तो ये भी रंगीन होंगे। हमने तो एक ही में डाला था, इससे पता चलता है कि इसमें पार्टिकल्स इसमें घुले थे, और वो पार्टिकल्स फिर इसमें भी घुलाने की क्षमता, ये फिर इसको भी घुलाने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम, आगे है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स। तो इसके अलग अलग टाइप्स क्या हैं वो देख लेते हैं। तो हमारे पास है जो देख लेते हैं, कहता बेसिस अपॉन पार्टिकल्स अरेंजमेंट। तो एक अरेंजमेंट के अनुसार से पदार्थ होंगे, फिर बेस अपॉन एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, एनर्जी कैसी है पार्टिकल्स के उसके, और बेस्ड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, तो किस डिस्टेंस में दो पार्टिकल्स हैं उस पर होंगे, ठीक है। आगे की ओर देख लेते हैं, इसके स्टेज के तो फाइव स्टेट ऑफ क्या मीटर। तो पहला तो आपको तीन पता होगा, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, और गैस होते हैं। अब एक आता है प्लाज्मा, एक आता है वोर इंस्टेंट कंडेंसेट। तो आगे की ओर हम देख लेते हैं, जैसे कि से हमारे पास है
इसे समझ लेते हैं। सॉलिड को हम क्या कहते हैं, सॉलिड क्या होगा, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में मजबूती से सटे होते हैं, जिससे हम इसीलिए मजबूत इनके शेप भी दिखती है और ये मजबूत होते हुए लिक्विड में कि थोड़े थोड़े फर्क अलग अलग से दिखते हैं, तो इसीलिए इसमें बहाव होता है। और गैस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही अलग अलग होते हैं, इसीलिए आसानी से ये उड़ सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। फिर प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा क्या हो जाते हैं, जो टिश्यू रूप में हमारे ब्लड वगैरह होते हैं या फिर कहीं कटने से सफ़ेद जैसा निकलता है उसे कहते हैं, और ये है केमिकल कंपाउंड। तो इस तरह से हमने देख लिया क्या फाइव स्टेट ऑफ मैटर। आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो।